प्रजाति की मछलियां आंख में लग रही है, लेकिन देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल बॉयज विद नेचर पे। तो दोस्तों, बारिश चल रही है और इसी बारिश में हम इसे रहो भाई। तो इधर देख सकते हैं आप मछलियाँ, जिसे हम अब कुएं में छोड़ने जाने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से हम मछलियों को छोड़ते हैं। और मेरा दोस्त है कैलाश, जो कि कैमरामैन का काम करता है ज़्यादातर, लेकिन वो अभी चल रहा है अपने कंधे पे उठा के, मतलब पूरी जिम्मेदारी उसने अपने कंधे पे उठा के रखी है इस काम की। तो यहाँ पे 400 रुपये के है दो थैलियों में हम मछलियाँ लेके आए 400 रुपये के। तो देखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ इसके अंदर, काउंट नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा है। तो चलो, यहीं पे नज़दीक में ही कुआं है, इधर देख सकते हैं आप, खेतों में भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन पानी बारिश के बाद सूख जाएगा। और इधर देखिए, मतलब चारों तरफ अभी बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं इधर पानी जमा हुआ है, रास्ते पे भी पानी जमा हुआ है। इधर देखिए, इस बांध को धो डाला है पानी ने, काफ़ी ज़्यादा किसानों का भी नुकसान किया है इस साल, बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है महाराष्ट्र में, मतलब फसल भी अच्छी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोयाबीन है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, और पानी रहने के बाद फसल ऐसी हो जाती है। तो जाने दो, हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। मछलियों को तो यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है, आप देख सकते हैं चप्पल में भी पूरा कीचड़ भर चुका है, मतलब टूट सकते हैं चप्पल अगर आप ऐसे ही चलोगे तो। लेकिन क्या करें, चप्पल पीछे छोड़ के नहीं आ सकते हम लोग। ओके, तो चलो पहुँच चुके हैं हम जहाँ पे छोड़ने वो आके नज़दीक। इधर देखिए धान की फसल है, और इस तरफ देखिए इस कोने में सोयाबीन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पानी जमा नहीं होता। कैमरा हिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, इसके लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन अभी बारिश के अंदर वीडियो निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कैमरे को भी बचाना है बारिश से, वाटरप्रूफ कैमरा नहीं है हमारा। इधर देखिए खेत के अंदर ही तालाब बन गया है, यहाँ पे छोड़ दोगे लेकिन कल परसों ही पकड़ने आना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो नहीं सूखेगा। आप देख सकते हो पूरा नुकसान हो चुका है ललित का, जो कि वो आगे जा रहा है बंदा, उसका खेत है। ओए ओए ओए, हवा देखिए कितनी तेज है, वो गिर सकता था यहाँ से, मैं भी गिर सकता हूँ लेकिन मैं ही गिरूंगा। अरे यार बारिश कम है और हवा ही ज़्यादा है, तो कैमरे को बचाने के लिए छाते को ओपन ही रखना होगा मुझे। और फाइनली हम आ चुके हैं उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें मछलियों को छोड़ना है। और वाव, इधर छोड़ते हो क्या? अगर कुएं का पानी बाहर आता तो हो सकता था, आप देख सकते हो यहाँ पे मेंढक है, मेंढक पानी के अंदर दिखेगा नहीं शायद, उसके अंदर पहले ही से ही लोकल मछलियाँ मौजूद है, लेकिन अब हम छोड़ने वाले हैं कोमड़ा नाम का मछली है, जो कि लाल लाल होता है ज़रा सा। और हम अभी छोड़ने वाले हैं इस कुएं के अंदर, हम उन मछलियों को छोड़ने वाले हैं। तो चलो उसे इधर लेके आओ, इधर इधर से, हाँ चलो ठीक है, उधर से आओ भाई तुम। बाकी तो लगते हैं। तो दोस्तों, इनमें कुछ, मतलब कि कुछ अलग प्रजाति के मछलियाँ हमें लग रही है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या है वो। चलो छोड़ो उसे, छोड़ो धीरे से छोड़ो, मतलब मैं पकड़ता हूँ, तुम छोड़ो। तो देखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गहरा कुआं तो नहीं, लेकिन खाना खिलाना पड़ेगा इन्हें, सभी बड़े होंगे जल्दी। ओके, तो अभी सब ऑक्सीजन निकल जाएगा उसमें से। तो दोस्तों, इसके अंदर खास तरह की पैकिंग होती है,
जिसे चलो छोड़ दो धीरे से। तो दोस्तों कैसे निकल गई सारी की सारी, इसके अंदर रह तो नहीं ना गई? नहीं रही। तो दोस्तों सारी की सारी मछलियां चली गई अंदर, एक दो मरी हुई थी देख सकते हैं आप, ये इधर मर गई क्या? पहले से मरी थी वो, पहले से मरी हुई थी शायद। तो ये कोई सरफेस फीडर नहीं है इसलिए कोई टेंशन नहीं, उधर से तो नहीं निकलेगी मतलब पाइप ऊपर है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा डीप पानी में रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा गहरे पानी में। अभी देख सकते हैं आप इधर भी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है उससे क्या कहते हैं, साइपरनिस बोलते हैं, साइपरनिस। हाँ पहले तितली को छोड़ते हैं, उसके बाद में इसे भी छोड़ते हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसा लग भी नहीं रहा कि छोड़ा हुआ है, सब नीचे चले गए, पूरे गहरे पानी में चले गए। अभी तो जब तक वो छोटे हैं तब तक खाने की कोई समस्या नहीं होगी उन्हें, लेकिन जब बड़े होगी तब हम बाकी के निकाल के अलग अलग कुएं में डाल देंगे, तो तब हम उन्हें दूसरे। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी काम है दूसरे दूसरे वाले थैले वाले मछलियों को छोड़ने का। तो दो तीन प्रकार की मछलियां है उसके अंदर, और धीरे 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 ओके बहुत ही धीरे धीरे हम छोड़ने वाले हैं मछलियों को। इधर इधर बची हुई है, बची हुई है, पानी भरो फिर से छोड़ो, पानी भरो फिर से छोड़ो, इधर से निकाल लो। हाँ वो फंस चुकी है उधर, देखा छोड़ो छोड़ो धीरे से छोड़ो। निकली क्या? पहले जितने निकले तो उसने निकल जाने दो, इसमें भी कुछ डेड बॉडी थी, डेड बॉडी थी। और उधर देखिए जो कि साइड का जो है उसमें शैवाल है, इसलिए शैवाल खाने के लिए वो अभी लग जाएगी, रुकना है फिर बची है इसमें। जिंदा है क्या? हाँ जिंदा है, अभी इसमें से तीन है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कोहरा छाया हुआ है और बहुत तेज बारिश होने वाली है अभी। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। चलो हाँ तो हो चले गए, एक और बची है, तो चलो चलो छोड़ दी क्या सारी की सारी? तो दोस्तों हमने ये सारी मछलियां यहाँ पे छोड़ दी इस कुएं में, और बड़ी होंगी तब हम उसका वीडियो निकालेंगे पकड़ने का। कमेंट करके रखो दोस्तों, कमेंट करो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इस मछलियों को पकड़ने का वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।